हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल रिडल के ऊपर बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो रिडल इस तरह से कि मान लो कि 100 प्रिजनर्स है, नंबर 1 to 100, उन सब प्रिजनर्स के नंबर की चिट्ठियों को 100 बक्से में डाल दी गई है रेंडमली इन अ सील्ड रूम। अब क्या होगा कि एक प्रिजनर अंदर जाएगा और वो प्रिजनर 50 बॉक्स खोलेगा अपनी नंबर की चिट्ठी स्लिप को ढूंढने के लिए, और अगर उसको अपनी नंबर की स्लिप मिल गई तो वो बाहर चला जाएगा। और इस प्रोसेस के दरमियान कोई भी दो प्रिजनर्स एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। अगर ऐसे 100-100 प्रिजनर्स अंदर जाते हैं और उन सबको अपनी नंबर की स्लिप मिल जाती है तो सब फ्री, अगर कोई एक को भी नहीं मिल पाती तो सबको मार दिया जाएगा, ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड। और ये शुरू होने से पहले उन सबको एक स्ट्रेटेजी बनाने का अलाउड है, वो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज देयर बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं कि रेंडमली कोई एक प्रिजनर अंदर गया और उसने अपनी नंबर की स्लिप ढूंढने के लिए 50 बॉक्स खोले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसको अपनी नंबर की स्लिप मिल जाएगी, वो होगी 50%। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इस इवेंट की होगी कि हर एक प्रिजनर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो 1/2 × 1/2 × 1/2 मतलब इज इक्वल्स टू 1/2 raised to 100। तो वो क्या होगा, 0.00000308, मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल। इसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। बट देयर इज अ कैच, वो विद द राइट स्ट्रेटेजी देयर इज अ वे टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी बाई 30 orders ऑफ मैग्नीट्यूड, डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है 0.00030008, वो क्या हो जाएगी, 0.31, विच इज रफली 1/3, 31%। बट सवाल उठता है कि ऐसा कैसे होगा, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो इसमें बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज होता है और इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उस स्ट्रेटेजी का नाम है लूप स्ट्रेटेजी। तो समझ लो कि आप एक 50th नंबर के प्रिजनर हो, आप रूम में गए, आपको करना क्या है कि आपको अपने नंबर का बॉक्स पहले खोल देना है, मतलब 50 नंबर का बॉक्स खोल देना है, और उस बॉक्स खोलने में जो भी आपको स्लिप दिखे जिस भी नंबर की, फिर वो बॉक्स खोल देना है, फिर आपको जिस भी नंबर की स्लिप दिखे फिर वो बॉक्स खोल देना है, ऐसे चलते जाना। कब तक चलते जाना है, जब आपको खुद के नंबर की स्लिप नहीं मिल जाती। और जैसे ही आपको ये मिल ली जाएगी, ये क्या आपको बोलेगा कि आप 58 नंबर का बॉक्स खोलो, मतलब लूप क्रिएट हो गई, लूप कनेक्ट हो गई। आप ये इमेज में देख भी पा रहे होंगे। अब ये जो लूप है उसकी लेंथ कुछ भी हो सकते हैं, मतलब समझ लो कि प्रिजनर नंबर 1 रूम में गया, उसने 1 नंबर का बॉक्स खोला और उसको उसका स्लिप भी मिल गया, तो ये लूप क्या होगी, लूप ऑफ लेंथ क्या होगी, 1 हो गई। ऐसे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सारे बॉक्सेस किसी ना किसी लूप से ऑफ लेंथ से कनेक्टेड होंगे और मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो होगी 100। द लॉन्गेस्ट लूप यू कुड हैव वुड कनेक्ट ऑल द नंबर्स इन अ सिंगल लूप। इन जनरल एनी रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द स्लिप्स इन दिस बॉक्सेस विल रिजल्ट इन अ मिक्सचर ऑफ सम शॉर्टर और सम लॉन्गर लूप्स। अब क्या होगा कि कोई भी प्रिजनर अंदर जा रहा है और उसको आपको पता है कि 50 बॉक्स खोलने का अलाउड है, अगर उसको जीतना है, उसको नंबर की स्लिप मिल जाए, उसका मीनिंग क्या होगा कि वो 50 बॉक्स ही खोल सकता है, तो उसके पहले उसको अपनी स्लिप मिल जानी चाहिए। तो अगर लूप ऑफ लेंथ जो है उसकी, वो अगर 50 से कम है तो उसको अपनी स्लिप मिल जाएगी, पर जैसे ही लूप ऑफ लेंथ 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो तो मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 50 बॉक्स खोलने से पहले ही जब खोलेगा तब उसकी नंबर की स्लिप मिलेगी नहीं, क्योंकि वो बाद में मिलने वाली है, क्योंकि ये लूप ऑफ लेंथ क्या है, 53 है। पर इसमें याद रखने की बात ये है कि यही नहीं, इसके साथ जो भी 52 अदर प्रिजनर्स है वो सभी इस जो भी इस लूप से कनेक्टेड है उन सबको अपनी स्लिप नहीं मिलेगी, क्योंकि लूप ऑफ लेंथ क्या है, 53 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा, उसके पहले बात करने के लिए हम ये डाल दें कि वी नोट है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वी फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू कनेक्ट 100 बॉक्सेस टू फॉर्म अ लूप ऑफ लेंथ 100। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 बॉक्स 2 से कनेक्टेड, 2, 3 से और ऐसे 100 से, तो ये एक लूप क्रिएट हो गई।
ये क्योंकि एक रैंडम अरेंजमेंट है, तो एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं कि 5, 9, 9, 2, 3, 9, 94, फिर 65 और 65, 5, ऐसे 100 बॉक्सेस कनेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट में। तो पहले बॉक्स के लिए हमारे पास 100 चॉइसेस हैं, फिर दूसरे बॉक्स के लिए क्योंकि एक बॉक्स हो गया है तो 99, फिर 98 ऐसा जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 100 फैक्टोरियल। देर आर 100 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज दैट यू कुड क्रिएट अ लूप ऑफ 100 बॉक्सेस, बट वॉट वी कांट फॉरगेट दैट दिस आर नॉट जस्ट लाइन्स ऑफ नंबर, दे आर लूप्स। सो सम ऑफ दिस लाइन दैट लुक डिफरेंट आर एक्चुअली द सेम लूप, जो ये आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि ये सब अलग अलग दिख रहे हैं पर है ये एक ही लूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे 2, 3 पे जा रहा है, 3, 4 पे जा रहा है, और फिर ये 100 पे, 101 पे और 1, 2 पे, तो एक लूप क्रिएट हो गए। और ये और इसमें क्या फ़र्क है कि 1, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहे हैं और 3, 4 पे जा रहा है, वैसे वो 100 तक पहुँचेगा और 101 पे जाएगा। तो ये जो अलग अलग नंबर्स जो दिख रहे हैं आपको लाइन के, वो सारे एक ही लूप को प्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये ऐसे लूप्स कितने होंगे, तो वो 100 होंगे। यू कुड रेंज द वे यू राइट दिस नंबर 100 डिफरेंट वेज, बट दे रिप्रेजेंट द सेम लूप। सो द टोटल नंबर ऑफ यूनिक लूप्स ऑफ लेंथ 100 इज 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम अरेंजमेंट ऑफ 100 बॉक्सेस विल कंटेन अ लूप ऑफ लेंथ 100 इज पी ऑफ लेंथ 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिक लूप्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। यूनिक लूप्स कितने हैं, 100 फैक्टोरियल बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम क्या है, 100 फैक्टोरियल विच इज 100 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल के आंसर 1/100, 1%। सो देर आर 1% चांस ऑफ एनी रैंडम अरेंजमेंट ऑफ 100 बॉक्सेस विल कंटेन अ लूप ऑफ लेंथ 100। सो पी ऑफ लेंथ 100 इज 1/100 विच इज 1% है, तो पी ऑफ लेंथ 99 क्या होगी, 1/98। वैसे पी ऑफ लेंथ 50 क्या होगी कि 1/50। सो पी ऑफ फेलियर, सो द प्रोबेबिलिटी देयर इज अ लूप लॉन्गर देन 50, क्योंकि जैसे ही लूप लॉन्गर देन 50 हो जाएगी तो प्रिजनर को अपना चिट्ठी नहीं मिलेगा, मतलब वो हार गए। तो प्रोबेबिलिटी फेलियर क्या होगा कि भाई 151 नंबर की लेंथ की लूप की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/51, वैसे 52 को 1/52, वैसे सारे हम प्लस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगा 0.69। सो देयर इज 69% चांस ऑफ फेलियर फॉर द प्रिजनर्स। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी सक्सेस क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विच इज 1 - 0.69 विच इज 0.31। सो ऐसे 31% हम निकाल सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को अपनाए करने से जो पहले कुछ भी नहीं था, हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल इवेंट को हमने पॉसिबल बना दिया, और उसका जो चांस है जीतने का, एक प्रोबेबिलिटी सक्सेस वो कितना है, 31%। अब एक इंटरेस्टिंग कोरोलरी है इस रिडल के रिलेटेड जो मैं पढ़ के आपको बोलना चाहूँगा। इफ प्रिजनर नंबर वन और एनी अदर प्रिजनर फाइंड्स दैट हिज ओन लूप हैज अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली डैश, ही इमीडिएटली नोज दैट देयर इज 100% चांस ऑफ सक्सेस। तो ये सवाल मेरा आपसे, अगर आपको इसका जवाब पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है 50। अगर समझ लो कोई एक प्रिजनर अंदर गया और उसने ये लूप स्ट्रेटेजी अपनानी शुरू की और उसने अपना लूप की लेंथ काउंट भी कर रहा है और उसको 58 बॉक्स खोला उसने और उसके उसकी चिट्ठी मिल गई, मतलब उसकी लूप ऑफ लेंथ क्या होगी 50, तो उसको तो अपनी चिट्ठी मिल गई 58 बॉक्स पे, तो उसके साथ जो भी 49 अदर प्रिजनर्स जो बच गए जो सेम लूप में होंगे, उन सबको 58 बॉक्स पे वो जब खोलेंगे तो उसको उन सबको अपना स्लिप मिल जाएगा। तो 50 प्रिजनर्स का तो काम हो गया, अब बचे 50 बॉक्सेस, तो उस 50 बॉक्सेस की जो लूप होगी वो 51 से तो 50 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि बॉक्स ही 50 बचे हैं। तो इसमें ये हो जाएगा कि सारे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हो जाएगा वो 100% हो जाएगा। इस में जब जब भी आपको लूट ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 50 हो जाएगी तो सारे प्रिजनर्स फ्री हो जाने की गारंटी पा लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस रिडल को एक पीटर प्रो मिल्टरसन जो कंप्यूटर इंजीनियर है उसने एक आर्टिकल में पब्लिश किया था। सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के लिए मैं वेरिटिज्म को भी क्रेडिट देना चाहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।